रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीबीएसई के कक्षा 10 और 12वीं के पर्चा लीक होने के मामले में जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। तकरीबन 1.5 दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ता शहीद स्मारक भवन के पास इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए निकले, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीएसई पेपर लीक को मामले को लेकर एनएसयूआई के छात्र संगठन जो है उसे आकाश शर्मा के नेतृत्व में ये लोग एकात्म परिसर के घेराव के लिए निकले थे, जिन्हें रास्ते में रोककर गिरफ्तार किया गया है और जेल परिसर रवाना किया गया। लगभग कितने की संख्या में? 20-25 के आसपास एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। जो बिहार एवं झारखंड दारू लगता है क्या नाम सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ऐसे पेपर लीक देश में हो रहे हैं और तमाम हजार छात्र देश में एक माहौल खराब हो गया है, इसके विरोध में अनिश ने आज देश भर में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रसंग हम अपनी बात रखने बीजेपी दफ्तर जा रहे थे। मामले के छात्र में से 50 रंग के हम छात्र जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक देख रहे कैसे हमें लाठीचार्ज करके अंदर घुसार गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये दमनकारी नीति आदि चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार अब जाने वाली है, छात्र आक्रोश हो चुका है, वो छात्रों का भविष्य।